नेटफ्लिक्स पे एनिमेस इंडियन ऑडियंस के लिए वन पीस न्यू पोकेमोन एनिमे नारुतो 99 कॉन्टेस्ट जुजुत्सु काइसन सीजन 2 और ऐसे कई सारे अपडेट हैं आज के एनिमे न्यूज के एपिसोड 2 में। एंड अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीच थाउजेंड ऑफ ईयर ब्लड वॉर एनिमे का फर्स्ट पार्ट दिसंबर 26 को एंड होगा। नेटफ्लिक्स इंडियन ऑडियंस के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे दो नए एनिमेज एड कर रहा है जो है मॉन्स्टर और विनलैंड सागा सीजन 2। विनलैंड सागा सीजन 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे इंडियन ऑडियंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अननेम्ड मेमोरी लाइट नॉवल को अब एनिमे एडेप्शन मिल रहा है जो कि रिलीज होगा 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अगर आप एनिमे लवर हैं तो आपने मिस्टीरियस डोर एनिमे के बारे में सुना ही होगा जिसको मिला है 16 रैंक इन एनिमे फिल्म इन जापान। वन पीस पे बेस्ड एक गेम है जिसका प्रीव्यू एक एक्चुअल शिप पे हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वन पीस अल्ट्रा को 2022 का जापानीज इंटरनेट बजर अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, एक सैड न्यूज है माय हीरो एकेडमिया के लवर्स के लिए। तो माय हीरो एकेडमिया का मांगा थोड़ा डिले हो गया एक वीक के लिए ड्यू टू क्रिएटर्स हेल्थ। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी न्यूज है दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लिम के फैंस के लिए, और ये है कि दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लिम फिल्म 960 मिलियन येन अभी तक कमा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, द एंड ऑफ द वर्ल्ड विथ यू मांगा को एक लाइव एक्शन एडेप्शन मिलने वाला है। एंड आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सब पोकेमोन लवर्स को पता है कि एस फाइनली पोकेमोन चैंपियन बन चुका है एंड अब उसके बाद न्यू पोकेमोन एनिमे अब शुरू होने वाला है जो टोटली न्यू डुअल कैरेक्टर पे बेस्ड होगा एंड वो अप्रैल 2023 से डेब्यू करेगा। और एक नारुतो फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है दैट नारुतो 99 कैरेक्टर पोल का जो भी विनर होगा उस पे बेस्ड नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो एक शॉर्ट मांगा डिजाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी न्यूज है जो भी वेट कर रहा था जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का, उनके लिए दैट जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एक इंट्रो वीडियो रिलीज हो गया है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जुलाई 2023 को सीजन 2 आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले हफ्ते इन एपिसोड 3 ऑफ एनिमे न्यूज़।